लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है। कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले, कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता। हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों। तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था, मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली। उसने घर में हर जगह देखा जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर, इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ आओ सुंदर लड़की, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो। इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं, अब आप इन्हें उतार दें, ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो, चलो अपने जूते बदलो, मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी, इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई। लेकिन कैरन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले कई वर्षों तक कैरन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। कम से कम एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरन के जिद्दी और नकचढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरन नीले जूते उतार रही थी जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो
मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरन दुकान पर गए। ओह, देखो मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह, ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरन, आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं आपसे हर जगह नंगे पाँव जाऊंगी। ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरन को कोई परवाह नहीं थी, वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई। एक दिन बुढ़िया ने कैरन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, कुछ तो अकल की बात करो, हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया। तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। आह मेरे प्रिय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी, मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन डांस करना बंद नहीं कर पाई। ओह, मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ, क्या हो रहा है। कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी। कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अब से इतनी जिद नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ, प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी।
कैरन के जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगी। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओह, तुम यहाँ हो कैरन। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो। तुम्हें कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। एक समय की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, खिलौनों जैसे। सभी माओ की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेस बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, we love you। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका, फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो, देखो मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िए की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया, तो उसने एक चॉक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं, उनके पैर सफेद हैं। तुम भेड़िए हो। अपना गुस्सा निगल के भेड़िया वहां से निकला। अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िए को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ, अब से पेस्ट्री खाऊंगा, थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िए ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे।
यहाँ भागोगे मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवा घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं, रुको। सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था इसलिए उसने सोचा नहीं और वहां से निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गई कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी। मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा पर नहीं मिला कोई। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेस बदल के, हमें लगा आप हो, वो मेरे सभी भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा, वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िये को थोड़ी देर देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा। घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िये का पेट काटा, उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, 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 सभी बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िये के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है, जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया।
बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा वो नदी की तरफ गए। सभी मिलके झूमने लगे। उस दिन से मदर गोट और उनके सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती। समय की बात है, एक पति और पत्नी का जोड़ा था। उनका कोई बच्चा नहीं था पर उन्हें एक बेटी की बहुत इच्छा थी। कुछ दिनों बाद उनको बच्चा होने वाला था। एक दिन उन्हें खिड़की के बाहर एक लेट्यूस गार्डन दिखा। तब से उन्हें वहां से लेट्यूस खाने की इच्छा हुई। खा पाऊंगी। उनकी भूख कम होने लगी और तबीयत भी खराब होने लगी। एक दिन उनके पति को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने वादा किया कि वो उनके लिए मुट्ठी भर लेट्यूस लेके आएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लेट्यूस लाऊंगा। लेकिन तुम्हें पता है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो घर था एक डायन का और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिस पर कोई चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। वो पूरा जोर लगा के उस दीवार पे चढ़े, गार्डन में गए और उन्होंने मुट्ठी भर लेट्यूस निकाला। उनकी पत्नी ने बड़े शौक से लेट्यूस खाया और बेहतर महसूस करने लगी, पर मुट्ठी भर लेट्यूस से उनका जी नहीं भरा। अगले दिन उनके पति फिर से उस गार्डन में गए, पर इस बार वो डायन वहीं खड़ी थी। इतनी हिम्मत कि मेरे गार्डन में आके मेरा लेट्यूस चुराते हो? तो तुम मुझसे पूछ तो सकते थे ना। मेरी बीबी पेट से है और उसे आपके लेट्यूस बहुत पसंद हैं। माफ कर दूं? तुम्हें तो सजा मिलेगी। अगर मेरी पत्नी ने लेट्यूस नहीं खाया तो बीमार हो जाएगी और बच्चे को परेशानी होगी। प्लीज। तो क्यों ना एक सौदा करें? तुम्हें जितना चाहो यहाँ से लेट्यूस ले जाओ, पर एक शर्त पर। तुम्हारे बच्चे का जन्म होते ही मुझे दे दोगे। डर के मारे उन्होंने हाँ कह दिया। कुछ दिनों के बाद बच्ची हुई और डायन आके उसे ले गई। उसने उसका नाम रखा रैपंजेल, क्योंकि जो लेट्यूस उसकी मॉम खाती थी उसका नाम भी वही था। उस डायन ने रैपंजेल का बहुत ख्याल रखा। 16 साल के होते होते वो बड़ी सुंदर हो चुकी थी। उसका घर जंगल के बीच में एक बहुत ऊंची इमारत में था और इस इमारत में सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। डायन ने कभी भी इस सुंदरी के बाल नहीं काटे थे। उससे मिलने आती तो नीचे से आवाज देती, रैपंजेल, 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 अपने सोने जैसे बाल तो नीचे।
अपनी खिड़की से रैपंजल अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चढ़ जाती। ये सालों तक चलता रहा। एक दिन उस जंगल में एक प्रिंस आया शिकार करने और उसने एक सुरीली आवाज को सुना गाना गाते हुए। वाह, कितनी सुरीली आवाज है। उसने सोचा और आवाज की ओर बढ़ता गया। रैपंजल की इमारत के पास आके उसने बायां देखा फिर दायां, पर कोई सीढ़ी वीढ़ी नजर ही नहीं आई। वो आवाज प्रिंस को हर रोज वहां खींच लाती थी, पर ऊपर चढ़ना ही नहीं हो पाया। एक रात इमारत की तरफ जाते हुए उसे नीचे डायन दिखी। रैपंजल, 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 अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी खिड़की से रैपंजल ने अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चढ़ जाती। अगले दिन सूरज ढलते ही प्रिंस वहां गया और आवाज बदल के चिल्लाया, रैपंजल, रैपंजल, अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी माँ के अलावा पहली बार किसी इंसान को देखा, रैपंजल थोड़ा डर गई। तुम मम्मी नहीं हो, क्यों आए हो यहाँ? डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा गाना सुनके तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया, आवाज किसकी है बस यही देखना था। रैपंजल को प्रिंस की बात अच्छी लगी और अब डर नहीं रही थी वो। कुछ समय तो सब कुछ सही चल रहा था और डायन को कुछ भी भनक नहीं लगी। एक दिन प्रिंस ने रैपंजल से शादी की बात की। रैपंजल ने खुशी खुशी हाँ बोला। पर रैपंजल को नीचे जाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। अचानक एक आइडिया आया। हर बार प्रिंस एक कपड़े का टुकड़ा लेके आता था, रैपंजल उनको जोड़ के एक रस्सी बना रही थी। पर एक दिन रैपंजल से एक गलती हो गई और उसके मुंह से एक बात निकल गई। मम्मी, आपसे ज्यादा तेज तो प्रिंस चढ़ता है। प्रिंस? कौन प्रिंस? डायन को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो चिल्लाने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से बचाना चाहती थी। डायन ने गुस्से के मारे रैपंजल के सुंदर सोने जैसे बाल काट दिए। और उसे एक दूर दराज के रेगिस्तान में भेज दिया। उस रात डायन घर पे प्रिंस के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में प्रिंस की आवाज आई। रैपंजल, रैपंजल, अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, मैं हूँ प्रिंस। डायन ने रैपंजल के बाल नीचे कर दिए। ऊपर कौन है ना जानते हुए प्रिंस चढ़ने लगा।
वहां पे रैपुंजल नहीं बल्कि डायन दिखी। वो समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है। डायन उसकी तरफ आ रही थी कि प्रिंस घबरा के गिर गया। नीचे कुछ पौधे थे। तो प्रिंस बच गया, पर आंखों में कांटे लगने की वजह से वो देख नहीं पा रहा था। बिना देखे प्रिंस जंगल में घूमता रहा रैपुंजल को ढूंढते हुए। रास्ते में फल भी मिले, तोड़ के खा लिया। चलते चलते इतनी दूर आ गया कि रेगिस्तान पहुंच गया और अचानक कुछ हुआ। एक सुरीली आवाज सुनाई दी। वो आवाज वो पहचानता था। वो उस आवाज की तरफ जाने लगा चिल्लाते हुए। रैपुंजल ने प्रिंस की आवाज पहचान ली। प्रिंस तुम? वो उसकी तरफ दौड़ने लगी। तुम यहाँ? दोनों कितने खुश हुए। मिलते ही दोनों गले लगे और वो रोने लगी। रैपुंजल के आंसू प्रिंस की आंखों पर गिरे और अचानक एक चमत्कार हुआ और प्रिंस आंखें खोल के देखने लगा। ये देख के रैपुंजल बहुत खुश हुई। दोनों एक साथ प्रिंस के किंगडम गए जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। दोनों हमेशा खुश रहे।